नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और यहाँ पर इतने भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं कि बांग्लादेश में इतने बड़े स्तर पर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। दरअसल इन प्रोटेस्ट के पीछे एक मुख्य कारण बताया जाता है आरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा। दरअसल बात 1971 की है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होता है तो 1972 में यहाँ की तत्कालीन सरकार ने मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों और उनके परिवारजनों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का प्रावधान किया। इसके बाद सन 2018 में यहाँ की सरकार ने उस आरक्षण को खत्म कर दिया। उसके बाद हाल ही में जून 2024 में यहाँ की हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, जिसके तहत 2018 में जो आरक्षण खत्म किया गया था उसे फिर से लागू कर दिया गया। और हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ यहाँ पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। लेकिन जब सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सेना का प्रयोग किया तो यहाँ की जनता ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री शेख हसीना से तत्काल प्रभाव से इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके चलते यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। आप इन प्रोटेस्ट की तस्वीरें देख सकते हो। इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि प्रोटेस्ट कितने उग्र लेवल पर जा चुका है। यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हो, ये फोटो प्रधानमंत्री आवास की है, जिसमें लोग घुस चुके हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग घुस कर लूटपाट मचाते हैं। इसका एक ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये एक लड़का प्रधानमंत्री शेख हसीना की साड़ी चुरा कर निकलता है। यानी प्रधानमंत्री जो शेख हसीना की साड़ी है उसे पहनकर ये लड़का जा रहा है और हाथ में एक टोकरी लिए हुए है जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना के अन्य कपड़े हैं। और आप ये दूसरी फोटो देख सकते हो, जिसमें ये एक लड़का प्रधानमंत्री शेख हसीना के पलंग पर सो रहा है। ऐसी तमाम प्रकार की तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहाँ पे खाना खाते हैं और वहाँ पे लूटपाट मचाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कोई टेबल कुर्सी ले जा रहा है तो कोई एसी उठाकर ले जा रहा है। इस प्रकार के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग प्रधानमंत्री आवास में लूटपाट मचा रहे हैं। बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये एक भारत के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि बांग्लादेश की अधिकतर सीमा भारत के साथ साझा होती है। ऐसे में यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके चलते बड़ी संख्या में माइग्रेट निकलकर भारत में प्रवेश करेंगे। इसके लिए भारत सरकार ने भी जो BSF है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसको हाई अलर्ट मोड पर डाल दिया है और जो भारत का बांग्लादेश से लगने वाला बॉर्डर एरिया है उसमें हाई लेवल की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी आपको। और जो भारत के विदेश मंत्री है SJ, उन्होंने भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कल सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी। यानी कि जो भारत के जितने भी राजनीतिक दल है, पक्ष विपक्ष के, उन सभी को एक साथ बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। फिलहाल जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उन्होंने भारत में शरण ले रखी है, लेकिन देखना यह है कि ये भारत में कितने दिनों के लिए शरण लेती है, क्योंकि अगर भारत इन्हें लंबे समय तक अपने देश में शरण देता है तो कल को हो सकता है भारत के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बने। क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनका अपने देश के लिए वीजा बैन कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।